ਸੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਣੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਧਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ अज की मीटिंग 5 अगस्त की रैली की तैयारी के संबंधित सी। पिछले फैसले तो बाद कुछ कुदरती करोपी हुई, पंजाब विच सारे थावां ते हड़ आए, 19 जिले हड़ां नाल प्रभावित ने, बहुत वड्डा नुकसान होया। असी लेखा कीता सरकार प्रैक्टिकली हेठां कुछ कम कर नहीं रही, साढ़े हिसाब नाल 10 लाख एकड़ रकबे विच फसलां बर्बाद हो चुकियां ने, 2,09,000 करोड़ का कर्जा कॉरपोरेट हाउसिस का सरकार ने माफ़ किया। तो ये हर साल एक रवायत बन गई कॉरपोरेट हाउसिस के कर्जे माफ़ करन दी, पर जदों किसानां दी गल आउंदी है या आम लोगों की गल आउंदी है तो अफसोस हुंदा भी केंद्र सरकार कोलों सिर्फ 218 करोड़ ही मुआवजे नूं देण लई निकलिया है, और उहदे विचों भी पंजाब दी सरकार ने 70 करोड़ ही रिलीज़ किया हाले तक, जिहड़ा सानू लगता है भी ये 218 करोड़ भी लोगों नूं नहीं देणगे, ये अपने खर्चियां विच ही खपा खपू देणगे। असी उस दिन सब तो पहली जिहड़ी मेन जिहड़ा स्ट्रैस साडा होएगा वो कंपनसेशन देण उत्ते, जिहड़ा फसलां दा नुकसान हो गया, पशु मर गए, घर ढह गए, उहदे लई मुआवजे की मंग होएगी, तो लोगों के कर्जे कर्जा माफ़ी की मंग होएगी, तो वो ही केंद्र सरकार जोड़ा नोटिस देना है अगली एजीटेशन का, वो असी वही गिणती विच एक विशाल इकट्ठ करांगे गुरद्वारा अंब साहब, तो असी उतों चंडीगढ़ वल मार्च करांगे, तो सरकार असी नोटिस देंगे।